अब हम डिस्कस करने लगे हैं एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं अपने एसेट्स के ऊपर। अगर डेप्रिसिएशन विद इन ट्रायल बैलेंस गिवन है, विद इन ट्रायल बैलेंस और आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है, हम डिस्कस करेंगे उसकी एडजस्टमेंट्स हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विद इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब आपको मशीनरी का अमाउंट भी दिया है और आपको डेप्रिसिएशन भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी एडजस्टमेंट के लिए हम उसको सिर्फ एक जगह डालेंगे, वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। और जब हमें आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो सपोज हमें 5%, 2%, 10% जितना भी गिवन होता है, हम एसेट के ऊपर उतना परसेंट लगाते हैं और उस डेप्रिसिएशन को सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में डेबिट साइड। और उसकी दूसरी एडजस्टमेंट हम करते हैं, हम उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे उस पर्टिकुलर एसेट में से उतना अमाउंट हम रिड्यूस कर देते हैं उस पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन। सपोज मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगी है, तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीनरी लिखेंगे, अंदर ही उसका अमाउंट लिखेंगे, रिड्यूस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये इसके अमाउंट से रिड्यूस की डेप्रिसिएशन। जो हमारे पास बचेगा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देते हैं, तो वहां पे उसका अमाउंट आ जाएगा रिड्यूस करके। थैंक यू।